हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HPTET 2020 के बारे में। आज हम HPTET यानी कि हिमाचल प्रदेश TET 2020 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश TET 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, कौन कौन HPTET 2020 के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म हम किस तरह फिल कर सकते हैं, HPTET 2020 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर एक चीज़ हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस चैनल में HPTET के रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगर HPTET का कोई भी इवेंट रिलीज होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है, उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाए। इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन वो आप ही लोग को आएगी कि जो HPTET का एडमिट कार्ड है या जो एप्लीकेशन है वो रिलीज हो चुका है, और वीडियो की मदद से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है, एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं HPTET 2020 यानी कि हिमाचल प्रदेश TET 2020 के बारे में और डिटेल में जानना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है, और आपको अपने ब्राउजर पे आते ही वहाँ पे सर्च करना है cpet.co.in, और आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप cpet.co.in सर्च करेंगे तो आपको जो गूगल पे आपके जो भी ब्राउजर है वहाँ पे आपको जो सबसे पहला रिजल्ट दिख रहा है, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी cpet.co.in नाम की। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको HPTET के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको HPTET के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे साइड में आपको सर्च बार दिख रहा है, आपको सिंपली वहाँ पे आके सर्च कर देना है। जैसे कि मुझे HPTET के बारे में जानना है तो मैं HPTET लिख के सर्च कर लूँगा, तो वहाँ पे जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको HPTET के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट जो है रिव्यू ओवरव्यू दे देता हूँ। HPTET का जो फुल फॉर्म है वो है हिमाचल प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और HPTET जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। तो जो पेपर वन है वो उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, और जो पेपर टू है वो उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं फॉर क्लास सिक्स टू एट। और जो HPTET है वो साल में एक बार कंडक्ट होता है। अब हम HPTET के थोड़े हाईलाइट जानेंगे। एग्जामिनेशन नेम तो आपको मालूम है, HPTET शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा जाता है। फुल फॉर्म हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन टाइप क्या है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मीन्स ये जो HPTET कंडक्ट किया जाता है, इसका मेन एम मेन पर्पज़ यही है सिर्फ कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं ये HPTET एग्ज़ाम के लिए, जो भी कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर, तो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है कि वो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल है, यानी उनमें उतनी क्षमता है या नहीं। नेक्स्ट, ये जो एग्ज़ाम है स्टेट लेवल है, ऑब्वियसली ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया जाता है। अब इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या, मीन्स जो बॉडी जिनके द्वारा ये हिमाचल प्रदेश TET का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है वो क्या है, तो वो कौन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन HPBSE, इनके द्वारा है जो HPTET का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है। अब जो HPTET का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रिलीज होता है, मीन्स ऑनलाइन मोड में इनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करते हैं, हमें उनको ऑनलाइन वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट है इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो इनका जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑफलाइन मोड में आता है, पेन पेपर बेस्ड रहता है। मीन्स आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा कि आपको जो कौन सा एग्जाम सेंटर आप प्रीफर करते हो, तो आपको अपना प्रीफर एग्जाम सेंटर अलॉट करना है। उसमें से आपको कोई भी एक या दो या तीन एग्जाम सेंटर आपको अपने जो प्रेफरेंस वाले एग्जाम सेंटर आपको जो चाहिए वो आपको सेलेक्ट करने रहते हैं, उसमें से कोई भी एक जो है एग्जाम सेंटर आपको अलॉट होगा, आपको वहाँ पे जाके पेन पेपर बेस्ड जो है वो टेस्ट देना रहेगा। फिर जो एग्जाम ड्यूरेशन है, एग्जाम पीरियड, आपको कितना टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, तो वो है 3 आवर्स का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, तो जो HPTET का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है HPBOSE.org।
अभी अब तक जो भी फ्रेंड्स मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, आई होप इससे आपका अच्छा खासा डाउट क्लियर हो गया होगा कि HPTT क्या है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहता है, कितने टाइम मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका मेन एम क्या, हर चीज़ आप जान चुके हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, लाइक उसके एप्लीकेशन फॉर्म, इसके एडमिट कार्ड, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अभी रेड लाइन की है HPTT क्विक लिंक्स। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट, सिलेबस, एडमिट कार्ड और वगैरह वगैरह नीचे दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है, जैसे कि अगर मुझे एडमिट कार्ड के बारे में और जानकारी चाहिए, या मुझे रिजल्ट के बारे में और जानकारी लेना है, या तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मुझे और जानकारी लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यहाँ पे सामने जो क्लिक कर रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही मैं दूसरे पेज पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरी तरह से लिखा होगा और पूरे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। अब आप जो है चाहे तो डायरेक्ट गूगल पे जाके भी CTT.co.in सर्च करके साइड में सर्च बार में सर्च कर सकते हैं HPTT, या तो ये आर्टिकल ये वेबसाइट के लिंक में डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके भी ये सेक्शन में आके फिर आपको जिस चीज़ के बारे में जानना है उस चीज़ के सामने क्लिक पे क्लिक करके आप और डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे एप्लीकेशन की और जितने भी इवेंट्स होते हैं हर चीज़ की डेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। पर जो भी मोस्ट प्रोबेबली HPTT यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर मंथ में ही होता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पे। तो जो HPTT एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस, उसे भरते टाइम हमें बहुत ही सावधानी पर रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, उसमें कोई फेक डिटेल्स गलत डिटेल भर देते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, आपको एप्लीकेशन करेक्शन का भी टाइम मिलता है, मीन्स अगर आपका एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर कभी कभी किसी किसी कैंडिडेट्स को ये मौका नहीं मिल पाता, तो आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्यों रिस्क लेना चाहे कोई किसी के हाथों से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट करवाना चाहते हो, तो उससे बेहतर ये है कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो तभी आप थोड़े सावधानी से भर लीजिए, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अभी आगे मैं HPTET यानी कि हिमाचल प्रदेश TET के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें हम लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे आपको एक एक डिटेल के साथ, किस तरह आपको भरना है, किस लिंक पे जाना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको पूरा बताया जाएगा। और उसी के साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना रहता है, आपका सिग्नेचर आपको करके उसका फोटोकॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करना रहता है, साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कैन करके अपलोड करने रहते हैं, तो हम हमारे वीडियो में वो भी बता देंगे कि आप किस तरह से जो आपका फोटो हो गया या सिग्नेचर हो गया उसको किस तरह से स्कैन करना है और कितने साइज का वो फोटो या आपका जो भी सिग्नेचर है वो रहना चाहिए और उसको किस तरह से अपलोड करना, हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत सारी जो है डिटेल्स पूछी जाएगी, लाइक आपका नाम पूछा जाएगा, आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, आपके मदर का नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एड्रेस और आपका अल्टरनेट एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जाएगी। फिर आपसे एप्लीकेशन फ़ी भरवाया जाएगा, तो उससे उस सब चीज़ के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फुल डिटेल वीडियो डालने वाला कुछ दिनों में, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो है 800 रुपीज़, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST या OBC तो आपका जो है जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो रहेगा 500, ऑलमोस्ट आपको कुछ 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है इसमें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते रहेंगे उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लाइक अगर मुझे HPTET का एग्ज़ाम देना है तो मुझे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहूँगा। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो उसको फुल डिटेल में भी देख सकते हैं। लाइक जो एज है वो मिनिमम एज, मीन्स कम से कम 18 ईयर्स रहना चाहिए, उससे कम एज नहीं चलेगा, मिनिमम कम से कम एज 18 ईयर्स रहना चाहिए कैंडिडेट्स का अगर वो HPTET के लिए अप्लाई करना चाहता है तो। नेक्स्ट उसका इंडियन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, वो एक भारतीय नागरिक रहना चाहिए। फिर उसके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल रहेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मीन्स वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर बेनिफिशियल नहीं रहेगा अगर डोमिसाइल नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, पर रहेगा तो उसके लिए ही क्या रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद
रहेगा। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं अभी HPTET एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो एग्जाम पैटर्न भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का जानना अच्छी तरह से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में ऊपर बता दिया गया है कि जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में, वो ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाईलाइट्स में। फिर यहाँ पे बताया कि जो मार्क्स रहेंगे वो 150 मार्क्स का रहेगा, जो 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे, मीन जो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव MCQ के MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो उसके मार्क्स रहेंगे वो भी 150 रहेंगे। उसका मतलब है कि 1 question for 1 mark। फिर उसका ड्यूरेशन बताया हुआ है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप कोई करेक्ट आंसर लिखते हो, मीन्स अगर एक क्वेश्चन है आप उसका आंसर करेक्ट देते हो, मीन्स अगर आप उसका आंसर सही लिखते हो तो आपका उसका 1 mark मिलेगा, और अगर आप उसका नेगेटिव, मीन्स अगर आप वो आंसर रॉन्ग करते हो तो उसमें उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका मार्क्स माइनस नहीं होगा। अगर आपने सवाल का जवाब सही दिया होगा, प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा, तो आपको एक मार्क्स मिलेगा, और गलत दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं, ना मार्क्स कटेगा ना मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 डिटेल में अलग अलग दे दिया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स रहेंगे दोनों पेपर में, पेपर 2 का अलग अलग यहाँ पे बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। सो गाइस, एडमिट कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको HPTET का जो एग्ज़ाम है वो देने नहीं देंगे, इनफैक्ट आपको एग्जाम सेंटर के अंदर भी नहीं जाने मिलेगा बिना एडमिट कार्ड के। तो एडमिट कार्ड जो है आपको बहुत ही सावधानी से डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेके अपने पास रखना है और उसको संभाल के रखना है, और ज़्यादातर तो जो एडमिट कार्ड होता है वो एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 1 या 2 week बिफोर ही जो है वो रिलीज़ होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखें, ताकि जब भी HPTET का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना दें कि आप किस तरह से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको नोटिफाई कर दें। तो उससे ये होगा कि आप जो है सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो की मदद से आपको ये भी हेल्प हो जाएगी कि एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, आपको वो भी पूरी तरह से पता चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट दे दिया गया है, तो रिजल्ट भी आप जब हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा HPTET का, तो हम सबसे पहले नोटिफाई करेंगे आप लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को वीडियो के माध्यम से, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से माध्यम से आपका HPTET के रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो, ये वीडियो देखने से आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मिल चुकी होगी, पर तो भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए आपको, या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, हम आपको उसके ऊपर भी और डिटेल वीडियो बना के बता देंगे, आपका जो भी डाउट्स रहेगा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे और इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर आपको HPTET के रिलेटेड और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।